हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है कल। हम इसी सवाल के ऊपर आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। सवाल थोड़ा सा मजेदार था, तो मैं सोचा ये नॉलेज आप लोगों को भी मिलना चाहिए। बेसिकली उनके पास आता है बैंक स्टेटमेंट। मैंने बैंक स्टेटमेंट की थोड़ी सी डमी डेटा बनाई है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा हम डिस्कस नहीं कर सकते आप लोगों के सामने पब्लिकली, तो मैंने उसकी एक डमी डेटा बनाई है। तो बेसिकली इस तरह से एक बैंक स्टेटमेंट आता है, जिसमें पार्टिकुलर होता है, चेक नंबर होता है, और डेबिट है क्रेडिट है इस तरह से लिखा होता है। साथ में बैलेंस, जैसे 50 रुपये था, 77 रुपये कट गए तो माइनस में चला गया, फिर 14 रुपये कट गया, फिर माइनस में चला गया, 14 रुपये से वापस आ गए, तो फिर 13 रुपये बचे, फिर 88 डेबिट हुए, फिर 24 क्रेडिट हुए, 19 डेबिट हुए, फिर क्रेडिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, तो इस तरह से चल रहा है, तो डेबिट क्रेडिट होते रहता है। अब मुझे यहाँ पे रेकरिंग अकाउंट निकालना है कि कितने रेकरिंग क्या है डेबिट का और कितने क्रेडिट का। मतलब कि जो 50 रुपये हैं, ये 50 रुपये यहाँ आ जाएंगे, और फिर ये 77 रुपये डेबिट है तो 77 रुपये यहाँ आएंगे, फिर 14 रुपये वापस क्रेडिट है तो 50 और 14 64 हो जाएंगे, और फिर 88 रुपये डेबिट है तो 77 प्लस 88 165 यहाँ आएंगे, फिर 165 में यहाँ पे जो है सीआर ऐड होगा। तो कैसे करें इसके लिए, क्योंकि इसमें हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा हुआ है ना। अब मैं इसको अलग अलग कर लूं तो हम सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी हाँ, सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, हालांकि इसके लिए तो इफ का ही, हम दोनों तरीके से आपको समझाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा अमाउंट का डेबिट क्रेडिट यहाँ से रिमूव है तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रिमूव कर दिया, तो कैसे रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्म राइट से लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट से निकालेंगे, और लेफ्ट के हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं इसकी जो कंप्लीट लेन है उसमें से 2 माइनस कर दो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दो ही रहता है लास्ट में, इसे माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया, लेकिन नंबर में आया तो इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैल्यू बन जाएगा, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब मुझे डेबिट का रेकरिंग लेना है, तो यहाँ पे हम करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ हमने इसको सेलेक्ट किया, और इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा में लगाया स्टार के साथ डी आर। और हमने सम किसका करना है, तो सम मुझे इसका करना है। अब मैंने ई बाई ई ले लिया, नहीं ये गलत था, हमें ई बाई ई नहीं लेना था, हमें जो है कुछ इस तरह से L2 और यहां भी E2 से E2 लेना है, क्योंकि तो हमें रेकरिंग चाहिए ना इसलिए। और पहले वाले E2 को हम कर देंगे फ्रीज, पहले वाले E2 को कर देंगे फ्रीज, हमने यहां पे फ्रीज कर दिया। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो आप देखिए रैकरिंग आ गया, और सेम हम क्रेडिट के लिए भी यहां पे भी सेम करेंगे, इस बार डेबिट के लिए यहां पे क्रेडिट हो गया सेम, और फिर आपका यहां पे आ गया, तो ये आपका कम्युनिटी टोटल आ गया कि भाई टोटल 392 डेबिट हुआ है और 927 क्रेडिट हुआ है, और आपके सामने बैलेंस 535 बचा हुआ है, जो कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे अलग कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या करें, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल इफ का फॉर्मूला लगा, इफ, और इफ में हम देंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट राइट सॉरी राइट का फॉर्मूला राइट, इसमें से 2 डिजिट राइट, 2 डिजिट अलग करने पे अगर वो इक्वल टू डी आर है, अगर इक्वल टू डी आर है तो क्या करें, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएं, और इसमें हमने इसको सेलेक्ट किया,
बोला कि जो इसकी कंप्लीट लेन है ना उसमें से माइनस वन कर दो, माइनस वन वन ने टू कर दो, टू कर दो, अदरवाइज हमने यहां पे जीरो कर दिया। एंड रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लेन में सिलेक्ट करना भूल गए थे। हाँ अब यहाँ पे कर दिया हमने, अब देखिए जीरो आया, लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो नीचे 77 आपको आया, तो 77 आ रहा है तो हम 70 कुछ नहीं करना है कि इसमें हम प्लस ऊपर वाली वैल्यू कर देते हैं और यहाँ जो जीरो आ रहा है जीरो की जगह पे हम ऊपर वाली वैल्यू को ले लेते हैं, तो 77 आ रहा है। अब नीचे की तरफ इसको ड्रैग कीजिए, 392 सही है। और इसी फॉर्मूले को मैं यहां यहां पे लगाता हूं, सेम फॉर्मूला, और फिर यहां भी से दो फॉर्मूले लग रहे हैं, ऊपर में अलग लग रहा है और नीचे यहां लगाएंगे, और इसमें बस ए जो है ऊपर से इसको दोनों को रख लेते हैं और नीचे के इसमें डेबिट की जगह पे सीआर करना है, क्रिएट करना है, और यहां भी डेबिट की जगह पे हमें क्रिएट करना है, क्रिएट कर दिया। अब 50 यहां पे आ गया, अब नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं, सॉरी हाँ तो 927 क्रिएट हुआ, 392 डेबिट हुआ, 535 आपका यहाँ पे बचा होगा। तो दोनों तरीके, अब दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिए कि मुझे ये तरीका अच्छा लगा, और आप लोगों के पास इस तरह की डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें क्योंकि ऐप के जरिए हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। ऐप के लिए आपको मेरी मोबाइल इसमें एंड्रॉयड में जाके मोबाइल ऐप के लिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करना होगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, तो इसके लिए भी नंबर यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे, रिसेप्शन में दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।